गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति। आज के इस वीडियो में हम जो हमने सीएचओ की सीरीज स्टार्ट की थी, BNS 01, 41, 42 एंड 43, तो यहाँ पर जो इसका सीएचओ का सिलेबस था, इसमें एज एन एमसीक्यू बात करें, एज एन यूनिट बात करें, तो इसमें टोटल 94+ यूनिट है। तो अभी तक हमने BNS 041 की पूरे MCQs पढ़ लिए, BNS 42 के पढ़ लिए, अब बारी है BNS 043 की। इसमें टोटल 39 यूनिट हैं, और इसमें टोटल 39 यूनिट हैं, जिसमें मिला के 5 से 6 ब्लॉक हैं, और पर ब्लॉक में 5 से 6 यूनिट रहेंगे यहाँ पर। तो ये भी कह सकते हैं कि BNS 043 में टोटल 39 यूनिट हैं, जिसमें पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ केयर स्किल्स को लेकर जितने भी MCQs बनते हैं, इसमें स्पेशली क्या क्या चीज़ें आएंगी जो BNS 043, इसमें लेबोरेटरी वैल्यू, वाइटल स्टैटिक्स आएंगे पूरे, एपिडेमियोलॉजी जो छूटी हुई है वो आएगी, और एज अ CHO और एज अ प्राइमरी केयर आप क्या प्रोवाइड कराएंगे, पूरे जो प्रिवेंशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एपिडेमिक, एंडेमिक, सभी चीज़ें इस BNS 043 मॉड्यूल में आपकी कवर होंगी। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो रेड कलर का बेल आइकॉन बटन होता है यूट्यूब में, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं डेली वीडियो पब्लिश करूं तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिले और आप लोग देख सकें। और जो भी मैंने CHO के से रिलेटेड जो MCQs वीडियो पब्लिश किए हैं और आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं, वो सभी क्वेश्चन प्रीवियसली जो भी लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि CHO में हमें पूरी नर्सिंग का निचोड़ पढ़ाया जाता है, जो आपने 4 साल पढ़ा है वही MCQs हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी इसकी जो PDF है, वो भी आपको, मैं एक ऐप लॉन्च करने वाली हूँ, मैं उस पर मिल जाएंगी, जितनी भी CHO के सिलेबस से रिलेटेड जो भी PDF रहेंगी, पुराने पेपर रहेंगे, सभी आपको उस पर मिल जाएंगे। वो 2 या 3 दिन अभी उस पर काम चल रहा है, इसलिए नहीं मैं आपके लिए उसकी लिंक दे रही हूँ। जैसे ही वो कंप्लीट होता है, मैं आपको हर एक वीडियो में उसकी लिंक मिलेगी आपको, तो आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं पूरी PDF। चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यह BNS 043 CHO के सिलेबस का जो पार्ट है, ब्लॉक मॉड्यूल नंबर 3rd एंड लास्ट मॉड्यूल हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें टोटल 39 यूनिट हैं, तो हम इस वीडियो में फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें 25+ क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके फर्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं, क्योंकि इसमें 5+ ब्लॉक हैं, तो ब्लॉक नंबर फर्स्ट में 5 से 6 यूनिट हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक में क्या पढ़ना है हमें, पब्लिक हेल्थ केयर स्किल्स। तो पब्लिक हेल्थ केयर स्किल्स में हमें वाइटल स्टैटिक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्रिवेंशन, एंडेमिक, एपिडेमिक, मेजरमेंट रेशियो, ये सभी बेसिक चीज़ें पढ़नी हैं 6 यूनिट्स में, जो ब्लॉक फर्स्ट में है। यहाँ पर पब्लिक हेल्थ केयर स्किल्स की जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो देखते हैं। तो इसकी यूनिट नंबर फर्स्ट है वो क्या है, कम्युनिटी नीड असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम कैसे असेस करेंगे, सभी चीज़ें हमें इस वीडियो में एज एन MCQ पढ़ना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, और इवन इस यूनिट के जो 20+ क्वेश्चन है, इनमें से 5 क्वेश्चन प्रीवियसली रिपीटेड क्वेश्चन है, जो वाइटल स्टैटिक्स के क्वेश्चन है, आप लोग कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं जो भी लोग, उनके लिए पता होंगे, क्योंकि मैंने अभी तक within 2 ईयर जब से मैंने जो ऑनलाइन आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, तब से मैं बहुत ज़्यादा मुझे भी पढ़ना पड़ता है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ बार बार, जो भी क्वेश्चन आपके लिए देती हूँ, आप लोग पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और कभी कभी जब हम, मैं या फिर कोई अदर यूट्यूबर या फिर कोई और टीचर, जब भी कोई MCQ सॉल्व करते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक्यूरेट कमेंट के साथ लिखिए, कुछ भी ऐसे वल्गर वर्ड लिखकर मत कीजिए, ना ही मुझे और ना ही किसी दूसरे यूट्यूबर को, क्योंकि मेहनत सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके हिसाब से कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इंडिकेटर है जो हेल्थ स्टेटस और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को कंट्री की बताता हो। तो सबसे पहले हेल्थ स्टेटस का इंडिकेटर और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कौन सा इंडिकेटर बताएगा, तो होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, क्योंकि मैटरनल मॉर्टलिटी रेट, अंडर 5 प्रोपरनेट रेट और इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, ये सब इसमें नहीं आएंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आपकी कितनी जिंदा रहने की क्षमता है, या फिर यही चीज़ें इसमें आएंगी।
तो ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को कंट्री के सही तरीके से बयां करेगा क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस। यहाँ पर ये देखिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पूछा गया था कंट्री का, साथ में तो आया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यदि यहाँ पर हेल्थ स्टेटस के लिए बस पूछा जाता है कि क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हेल्थ इंडिकेटर हो, सॉरी हेल्थ स्टेटस के लिए क्या यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इंडिकेटर होगा, तो वो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वाइटल हेल्थ स्टेटिक्स विच डिटरमाइंस कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी जो वाइटल हेल्थ स्टेटिक्स दिए हुए हैं वो कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस को बताते हैं, डिटरमाइन करते हैं, बट किसी एक को छोड़कर। तो डेथ रेट, बर्थ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सभी क्या हैं, कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस हैं जो गुड वाइटल हेल्थ स्टेटिक्स को बताएंगे, बट जो माइग्रेशन रेट है इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सी विंस्लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ का क्या गोल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सी विंस्लो के हिसाब से, पब्लिक हेल्थ गोल क्या होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ का जो गोल होना चाहिए फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, हेल्थ के लिए प्रमोट करना है और डिसीज से बचने के लिए आपको उपाय बताने हैं, डिसीज से बचना है, बीमारी से बचना है। नेक्स्ट इज आशा स्टैंड्स फॉर, तो आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बाय WHO इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो हेल्थ की डेफिनेशन सभी को पता होगी WHO के हिसाब से, हेल्थ इज अ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज, तो ये हो गई हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO के। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव वर्ड तो कहीं यूज ही नहीं होता है जब हम हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर टू प्रमोट हेल्थ इज, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के लिए एज अ CHO, एज अ नर्स या फिर एज अ आशा ANM, आपके लिए सभी टूल इम्पॉर्टेंट रहते हैं, बट इम्पॉर्टेंट टूल क्या होगा जिससे आप हेल्थ प्रमोशन के लिए बढ़ावा दे सकें, तो होगा हेल्थ एजुकेशन। ना तो आप कम्युनिटी में जाके डायरेक्ट किसी को ड्रग्स मेडिसिन दे सकते हैं, एंटीनेटल केयर दे सकते हैं या फिर हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं, आप उनको अच्छी हेल्थ एजुकेशन ही प्रोवाइड करा सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट इज हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड्स दी ऑल एलिवेशन ऑफ, हेल्थ प्रमोशन में सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बट जो मेन पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव फैक्टर। हेल्थ प्रमोट करते टाइम आपको पता होना चाहिए किस डिसीज का क्या पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ प्रिवेंशन वुड बी डायरेक्टेड एट मिनिमाइजिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज, तो कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जो डिसीज के कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज कर सकता है, कि ऐसा जो हमने लेवल पढ़े हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी या फिर मॉर्बिडिटी प्रिवेंशन जो इलनेस के लिए बनाए गए हैं, तो यहाँ पर कौन से लेवल में हम ये कर सकते हैं कि जो डिसीज ऑलरेडी हो चुकी है बट उसके कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकते हैं, तो क्या टर्सरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन पैथोजेनेसिस फेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीजेज, तो ये क्या सेकेंडरी और टर्सरी लेवल का प्रिवेंशन है। प्राइमरी में क्या करते हैं, हम उस डिसीज से बचाने की कोशिश करते हैं, सेकेंडरी में ऑलरेडी हो गया है, पैथोजेनेसिस फेज में है और उसकी जो नेचुरल हिस्ट्री है डिसीज की वो भी कंफर्म करनी है, तो किस लेवल के प्रिवेंशन में आएगा सेकेंडरी एंड टर्सरी में, क्योंकि नेचुरल हिस्ट्री और पैथोजेनेस का पता करके आप जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उनको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टूल ऑफ मेजरमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, वाइटल स्टैटिक्स में जो टूल यूज़ किए जाते हैं मेजरमेंट के लिए वो क्या है, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बट फ्रिक्वेंसी है जो इसका टूल नहीं है। नेक्स्ट इज प्रिवेलेंस ऑफ लो बर्थ वेट इज, लो बर्थ वेट बेबीज को किस, जो बर्थ वेट है उनका कितना होता है जब उनको लो बर्थ वेट बेबीज की कैटेगरी में रखा जाता है, जब बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg हो, एट द बर्थ बर्थ वेट कितना हो 2500 ग्राम से कम। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज लोएस्ट इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, तो 2010 में जब जनगणना हुई थी, लास्ट टाइम 2010 में ही हुई थी, तो यहाँ सॉरी 2011 में हुई थी आई थिंक जनगणना, तो जब जनगणना हुई थी हर 10 साल में जो जनगणना होती है हमारे इंडिया की, तो सबसे लोएस्ट इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट वाला स्टेट कौन सा था, तो वो था केरला।
नेक्स्ट इज विच ऑफ दी फॉलोइंग वुमेन शुड बी कंसिडर्ड एज स्पेशल टारगेट फॉर फैमिली प्लानिंग. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन किस वुमेन के लिए फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी और उसको स्पेशल टारगेट किया जाएगा. तो जिसके बच्चे दो हों, ऑलरेडी दो और उससे ज़्यादा बच्चे हों, तो उनके लिए फैमिली प्लानिंग के लिए स्पेशल टारगेट रखा जाएगा. नेक्स्ट इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा इज ऑल एक्सेप्ट. तो आशा की सभी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो आशा वर्कर हैं, बट किसी एक को छोड़कर. तो प्रिपरेशन ऑफ ब्लेज हेल्थ प्लान, प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स एंड काउंसिल वुमेन ऑन बर्थ प्रिपेयरनेस. तो ये सभी काम कौन कर सकता है? आशा कर सकती है, बट आशा किसी भी तरीके की प्राइमरी मेडिकल केयर है जो प्रोवाइड नहीं कर सकती है. नेक्स्ट इज व्हेन डिसीज अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी एट द सेम टाइम एंड ड्यूरिंग सेम सीजन देन इट इज कॉल्ड. तो ऐसी डिसीज जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करे कम्युनिटी में एक ही टाइम पर और एक ही सीजन में, तो क्या कहलाती है? कहलाती है एपिडेमिक डिसीज. जैसे कि अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में COVID-19 है, वो क्या है? एक एपिडेमिक डिसीज है. नेक्स्ट इज अभी, लेकिन उसको हाल ही में पेंडेमिक भी घोषित किया गया है एज अ महामारी. नेक्स्ट इज इन कम्युनिटी नीड असेसमेंट प्रोसेस द सेकेंड टीम ऑफ द कंसल्टेटिव टीम कंप्राइजेस ऑल एक्सेप्ट. तो कम्युनिटी नीड असेसमेंट प्रोसेस में जो सेकेंड टीम रहेगी, कंसल्टेटिव टीम, उसमें सभी रहेंगे बट किसी एक को छोड़कर. तो यहाँ पर ये सभी हैं जो उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, कि मेंबर्स ऑफ एनजीओ, मेंबर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है, फिर पंचायती राज मेंबर्स. नेक्स्ट इज डेली स्टैंड फॉर. तो डेली यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर. नेक्स्ट इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है. नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज. तो ये अभी हाल ही में जो KGMU का पेपर हुआ था UP में, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था सेक्स रेशियो. तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं, तो क्या कहलाता है? सेक्स रेशियो. नेक्स्ट इज मेजरिंग द एक्यूरेंस ऑफ पार्टिकुलर इवेंट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट्स अ रेट. तो मेजर करना पार्टिकुलर इवेंट को एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में और एक ही टाइम पर, तो क्या कहलाता है? रेट. नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिसीज ऑफ इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया रिफर्स टू. तो एक ऐसी डिसीज जो कम कम्युनिटी में, सेम कम्युनिटी में ही हुई हो लेकिन कम स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, मीन्स कम ही लोगों में हुई हो, क्या कहलाती है? कहलाती है एंडेमिक डिसीज. सो गाइस, ये थी यूनिट नंबर फर्स्ट जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रिवेंशन हमने पढ़ा है. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा. इसके बाद रिमेनिंग 38 यूनिट है. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए डेली 3 से 4 यूनिट प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि इसके बाद हमें थ्योरी पोर्शन को कवर करना है अभी, क्योंकि जिन भी लोगों का सिलेक्शन हो गया था बट उनका है जो ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है बिकॉज ऑफ COVID-19. तो यहाँ पर जो भी लोग घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छी रहेगी थ्योरी क्लास, एज MCQ भी अच्छी क्लास है, आप लोग देख सकते हैं. तो थैंक यू, बाय बाय.